टॉपिक नाम है वो है कि मिस तरह के प्रश्न पढ़ने हैं हम लोग को, जैसे संख्या आधारित प्रश्न है, चुनाव आधारित प्रश्न है, इन सभी तरह के हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग पहले प्रश्न को लिखते हैं, फिर हम बात करते हैं। मेरी बात को पहले गौर समझिएगा। जैसे दो चुनाव लड़ते हैं, ए और बी, पहले चुनाव आधारित प्रश्न में पढ़ाना है। चुनाव पे आधारित जो टॉपिक है वो चुनाव पे आधारित प्रश्न होगा। चुनाव पे जब आधारित प्रश्न पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए दो उम्मीदवार है, उम्मीदवार ए और बी, मेरी बात को थोड़ा गौर समझिएगा और फिर ध्यान से देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर हम आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं। चुनाव में दो लोग खड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी दो उम्मीदवार थे, इसमें उम्मीदवार में कोई एक जीतेगा और कोई एक हारेगा। ये क्लियर है आपको? इसमें जीतने वाला कोई एक व्यक्ति है और हारने वाला कोई एक व्यक्ति है, लेकिन इसमें एक समानता देखने को मिलती है। आइए ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर मैं कह दिया, या आप ये भी जानते होंगे, अगर इन्हें 28 वोट मिला और इन्हें 22 वोट मिला तो कौन जीता? तो कमेंट करके जवाब दीजिएगा, कौन जीता। देखिए बेसिक समझिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, मेरे गणित में आपको कहीं फार्मूला यूज नहीं करना है, कहीं फार्मूला ना मैं यूज करूंगा ना आप यूज करेंगे। बस कॉपी कलम लेकर बैठे रहिएगा, बेसिक से ले चलूंगा एकदम नीचे, फर्द से आपको अर्श तक लेके जाऊंगा। अगर आपने बताया कि सर ए चुनाव जीता, कितने मत से जीता, जरा क्लियर कर दीजिए, ये कितने मत से जीता? ए तो जीता सही है, ए विनर है, लेकिन कितने मत से जीता ये माने रखता है। तो यह होता है इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी से चुनाव जीतेगा, मतलब ये 6 वोटों से चुनाव जीतेगा। माने हम ए माइनस बी करेंगे तो जो होता है वह जीत का डिफरेंस होता है, वही जीत का डिफरेंस होता है, यह खाली समझे रहिएगा। अब इसका प्रयोग हम आगे करेंगे, इसका मतलब ये होगा ये 28 माइनस 22 इक्वल टू 6। क्लियर? अब यहां से हमारे प्रश्न की शुरुआत होती है। यह लॉजिक आपको समझ में आ गई? जितने लोग लाइव हैं क्या उन सभी को यह लॉजिक समझ में आ गई? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं क्या उन सभी को ये मैं बता रहा था लॉजिक के समझ में आ गई ना? अब लिखिएगा प्रश्न, अब प्रश्न लिखिएगा, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे ए और बी। एक चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार थे। उम्मीदवार ए को 45% मत मिला, 45% मत मिला और वह 150 मतों से चुनाव हार गया, और वह 150 मतों से चुनाव हार गया, और वह 150 मतों से चुनाव हार गया। तो बताइए कि तीन प्रश्न बनेगा यहां पे। तो बताइए कि उम्मीदवार बी को कितने मत मिले। उस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया, उस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, उम्मीदवार ए को 45% मत मिले और वह 150 मतों से चुनाव हार गया। तो बताएं कि उस चुनाव में ए को कितने मत मिले, बी को कितने मिले, और उस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। एकदम इजी वे में समझाएंगे, केवल कमेंट करके आप इतना बताइए कितने लोग को यह प्रश्न समझ में आया, कितने लोग को समझ में नहीं आया। जिनको आ गया ठीक है, नहीं आया तो मैं उन्हें दोबारा बताऊंगा जब तक कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, और बिना किसी फॉर्मूले के एकदम बेसिक में पढ़ाऊंगा, जैसे आपको गणित में पढ़ाता आ रहा था वैसे गणित पढ़ाऊंगा। यकीन मानिए आपको गणित इतना आसान लगेगा जितना कभी आपने सोचा नहीं था। सभी चैप्टर ये तो अभी केवल 1% का चल रहा है, बताइए आप लोग यहां हल करें, जो भी लाइव है वो कमेंट करके जल्दी से बताएं। चलिए हम हल करते हैं, चलिए देखिए, आइए हम लोग यहाँ पे हल करके देखते हैं कैसे हल सॉल्व होगा। ये पहले तो कह रहा है कि दो चुनाव थे, एक चुनाव में उम्मीदवार ए को 45% मत मिले,
चुनाव में 45% मत मिले, तो अपने आप में कुल परसेंट कितना होता है? 100 होता है। याद रखिएगा, कुल परसेंट अपने आप में 100 होता है। यह मैं पहले दिन से वीडियो बताता रहा हूं कि कुल परसेंटेज जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। कितना परसेंट? 100%। यहां हमने ये मान लिया कि कुल परसेंट 100 था। अब यदि हारने वाले को 45% मत मिला तो जीतने वाले को कितना मिलेगा? जब हारने वाले को 45 मिले तो जीतने वाले को कितना मिला? क्लियर हुआ? जब हारने वाले को 45% मिला तो जीतने वाले कितना मिला? 55%। क्लियर? सोचिए कितना आसान लग रहा है। माने जब हारने वाले को 45 और जीतने वाले को 55, मतलब आपने यहाँ पे देख लिया क्या कि यह मिला ए को 45% और बी को 55%। अब हार जीत का निर्णय कितने परसेंट मत से हुआ, आइए उसको देखते हैं। अब आपने देखा कि उम्मीदवार बी को 55% मत मिले, 55 मिले, और हारने वाले को 45 मिले, तो जीता कौन? बी विजयी हुआ। कितने परसेंट मत से? 10%। यहाँ पे मैंने भी बताया था यदि एक चुनाव में ए को 28 मिला, बी को 22 मिला, तो जीतता कौन है? 28। कितने से जीता? 6 से जीता। यही कॉन्सेप्ट हम ले जाके वहां रखते हैं, यही कॉन्सेप्ट हमने यहां रखा कि यदि हारने वाले को 45 मिला तो जीतने वाले को 55 मिला, तो कितने परसेंट मत से हार जीत का निर्णय हुआ? 10% से। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई समस्या हो तो कमेंट करके हमें बता दे, तब हम आगे बढ़े, क्योंकि यह मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपको समझ में आएगा तभी आगे की चीजें समझ में आनी शुरू होंगी, तभी आगे की चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हमने ये देखा कि 10% मत से हारा है तो 10% मत बराबर 150। ध्यान देखिएगा, तब 10% मत से चुनाव हारा और वो कितने के बराबर है? 150 वोटों के बराबर है। ऐसा प्रश्न में कहा है कि एक चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार थे, उम्मीदवार ए को 45% मत मिला और वह 150 मतों से चुनाव हार गया, माने चुनाव हारा 10% से, 10% बराबर 150 मत, 150 वोट हुआ। कितना हुआ? 150 वोट हुआ। अब आइए देखते हैं, तो 1% बराबर क्या होगा? ये हो जाएगा 1% बराबर 150/10। क्लियर? अब ये हो गया 1%। अब कहा है प्रश्न में कि भैया जी ए बी का अलग अलग निकालिए, आइए मैं निकालता हूं। अगर आपको ए का हिस्सा निकालना है, ए का हिस्सा निकालना है तो क्या करेंगे? 1% कितना है? 150/10। ए कितना परसेंट पाया? 45, तो गुणे कर दीजिए 45, बस कुछ नहीं करना है। बी का हिस्सा पूछा है, अगर बी का हिस्सा पूछेगा तो बी बराबर 1% कितना है? 150/10। बी का हिस्सा कितना है? 55, तो गुणे 55। लेकिन अगर कुल मत पूछे, टोटल कितने मत पड़े थे, अगर टोटल मत पूछा जाए तो क्या करेंगे? 150/10, 1% हो गया। अब गुणे कुल मतदाता अपने आप में 100% होते हैं। इसी प्रश्न को हल कर दीजिए, आपका उत्तर आएगा 0 से 0 कट गया और ये हो गया 15 5 75, 15 4 60 और 60 67। ये मिला ए को मत, यहाँ पे देखेंगे 0 से 0 कट गया तो हो जाएगा 15 5 75, 15 5 75 7 82। ये जीतने वाले को मिला या हारने वाले को मिला? कुल मतदाता पूछता तो ये हो जाता 1500। इस प्रकार यहाँ से परीक्षा में आपके कोई भी प्रश्न आता, आप उसे आसानी से निकाल सकते थे, आसानी से समझ सकते थे। इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लीजिए, क्योंकि एक बार आप प्रश्न पढ़ेंगे, उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो फिर ये कभी जीवन में आपको यहाँ से सवाल गलत नहीं होगा। ये यकीन मानिए आप सभी लोग, जितने लोग इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, इसको आराम से पढ़ते चलिएगा। एक सेशन, दो सेशन के बाद जब से प्रश्न खत्म होगा, हम नेक्स्ट प्रश्न की सीरीज लाएंगे और पूरा आपको अपने मेथड से आपको हल करा देंगे। कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जरा कमेंट करके बताइए कितने लोग को समझ में आया। जितने लोग को समझ में आ गया है वो सभी कमेंट करके जवाब दें। जितने लोग को लाइक समझ में आ गया उस वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, अब आपकी इच्छा कैसे कर सकते थे, कैसे नहीं कर सकते थे, हमने आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए। डाउट किसी को? सभी को क्लियर? जी हाँ। देखिए डेली क्लास की जो लिंक होती है वो हमारे टेलीग्राम पे मिलती है। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के और जुड़िएगा इर्लर्निंग विद दुर्गेश से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से क्लियर? अगला प्रश्न लिखिएगा।
एकदम ध्यान समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न लिखिए, एक प्रश्न और लिखिएगा। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ए और बी। एक चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार थे। उम्मीदवार बी को लिखिएगा, उम्मीदवार बी को 65% वोट मिला या 65% मत मिला, और वह 660 मतों से चुनाव जीत गया, और वह 660 मतों से चुनाव जीत गया, 660 मतों से चुनाव जीत गया। तो यहां पे भी तीन प्रश्न बना सकते हैं आप। ए को कितने मत मिले, बी को कितने मत मिले, और चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। यहां से तीन प्रश्न आपके बनेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने अपने प्रश्न को लिखा होगा। अब इसे हल करिए, हल करके सभी लोग अपने जवाब हमें कमेंट करके कमेंट सेशन में बताइए, जल्दी से बताइए। जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए आप लोग जितने लोग लाइव देख रहे हैं। फटाफट कमेंट कर बताइए सभी लोग जो फेसबुक लाइव देख रहे हैं, जो फेसबुक पे शेयर कर दें। और जी हाँ, जो फेसबुक लाइव देख रहे हैं वो फेसबुक पे शेयर कर दें सभी लोग, ताकि हम लोग और बेहतर तरीके से समझ और समझा सके। चलिए आइए इसको हल करके समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। इसको आगे बढ़ते अगले पेज की तरफ, अगर आपने लगा लिया ठीक है, वरना हमारी बारी, अब हम लगाएं। हमने देखा कि एक चुनाव में जो चुनाव था उसमें कितने उम्मीदवार थे, दो उम्मीदवार थे। उम्मीदवार ए को 65% मत मिला और 660 मतों से चुनाव जीत गया। हम जानते हैं जो कुल मत होता है वो अपने आप में 100% होता है। कितना होता है, 100% मत होता है। जब 100% होता है तो भैया जी, जब यहाँ पे 100% मत था, जीतने वाले को 65 मिला तो हारने वाले कितना मिलेगा, 35%। क्लियर, जीतने वाले को जब 65 मिलेगा तो हारने वाले कितना मिलेगा, 35%। क्लियर है तक? अब दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हार जीत का निर्णय करेगा। ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, पुनः मैं ये बता रहा हूं। अब जब 65 जीतने वाला पाया, हारने वाला 35 पाया, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? आपने कहा सर डिफरेंस होगा इसका 65 - 35 = 30%। माने जो हार जीत का परसेंट है, जो निर्णय किया, वह निर्णायक परसेंट जो है वह आपका 30%। जो निर्णायक परसेंटेज है आपका वो कितना है, वो आपका 30% है। कितना है, 30%। क्लियर है तक? कोई डाउट, कोई समस्या नहीं है? चलिए आगे देखते हैं। तो तब इसके बाद हमने ये देखा कि 30% से जो जीता उसका मत मूल्य कितना है। कहा आपने 660 है, क्योंकि वो 660 मतों से जीता। कौन, ए जीता, क्योंकि आपको साथ दिख रहा है भाई 65% वाला जीतेगा और 35% वाला हारेगा। तो मत मूल्य परसेंट कितना निकला, 30%। तो हमने क्या देखा, 30% = 30% माने 30% बराबर कितना मिला हमें, 660। तो 1% बराबर 660 बटे 30। अब प्रश्न पूछा है, सबका अलग अलग निकाल दीजिए, 1% निकल गया। अगर कुल मतदान पूछता तो 3 × 100 कर देते। देखिएगा, अगर कुल मतदाता पूछता तो 100 कर देते, कुल निकल जाता। लेकिन अगर यहाँ पे पूछता कि जीतने वाले का, तो जीतने वाला कितना पाया है, 65, तो 65 कर देते। अगर हारने वाले का पूछता तो हारने वाले कितना पाया है, कितना पाया, 35, तो 35 कर देते। सर इसका मतलब क्या हुआ, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इतना कर देते तो कुल मत निकल जाएगा। अगर आपने केवल इतना किया 660 बटे
1% में गुणे 65 कर दिया तो जीतने वाले का निकला। अगर आपने 660 बटे 30 गुणे 35 कर दिया तो हारने वाला। आप कैलकुलेशन स्वयं से करिए, मैं आपको केवल ट्रिक बता रहा हूं, मैं केवल आपको वो चीज बता रहा हूं जहां से आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं बस, क्योंकि आपको यह कॉन्सेप्ट सबसे पहले सबसे ज्यादा समझना है। अगर यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो आपको यकीन मानिए गणित में जो डर है वो डर खत्म हो जाएगा बिना किसी नियम बिना किसी फॉर्मूले पे। जरूरी नहीं परीक्षा में कुल मतदाता पूछे, वो हारने वाले का भी पूछ सकता है, वो जीतने वाले का भी पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो हमें सभी प्रश्नों के टाइप के लिए तैयार रहना होगा, ऐसा नहीं है केवल इसी टाइप का प्रश्न पूछेगा, हमें इसी के लिए तैयार रहना है। हमें सभी तरह के प्रश्नों के लिए पहले से तैयार रहना होगा। हमें प्रश्न की भाषा पढ़नी है, हमें प्रश्न की भाषा समझनी है। क्लियर हुआ? अब किसी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकता है, नहीं दिक्कत हो तो भी आप बताइएगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। बताइए, हल करके उत्तर लाइएगा, उत्तर आपका काम है लाना। अब उत्तर देखिए आप लाएंगे, मैं आपको क्या कर रहा हूं, केवल सिखा रहा हूं गणित में कैसे स्कोर करते हैं, बाकी आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। अगर आपको बेहतर लगे तो वीडियो लिंक को शेयर करिएगा अपने सभी साथियों के बीच, अगर आपको ऐसा लग रहा है तब शेयर करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए तो कोई बात नहीं। ठीक, अब हम आगे प्रश्न बढ़ते हैं। यहां तक किसी को डाउट हो जिसको समझ में ना हो वो यल लिख के टाइप करे, जिसको समझ में आ गया वही लिख के टाइप करे, और जिनको समझ में नहीं आया है वीडियो क्रम से पूरा देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो क्रम से वीडियो चल रही है उन सभी वीडियो को क्रम को देखें ताकि सारे कॉन्सेप्ट और पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, हाँ जो भी आएगा यहाँ पे देखिए हम एक बार काट के देख लेते हैं कितना आता है। ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कटेगा तो हो जाएगा 22, तो ये हो जाएगा कुल मतदाता 22 के बाद 2 0, जो कुल मत था वो 22, ये होगा ना 22 3 66। ठीक, बाकी सब काट के अपना चेक कर लीजिए कितना आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां तक सबको डाउट नहीं है किसी को, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखिए कभी कभी चुनाव में अवैध मत पड़ते हैं, मेरी बात को गौर समझिए, कभी कभी चुनाव में क्या होते हैं अवैध मत पड़ते हैं, जो अवैध मत होता है उसे हम काउंटिंग के बाहर कर देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक चुनाव में 10% मत अवैध हो गए, जीतने वाले को 70% मिले तो हारने वाले को कितने परसेंट मत मिलेंगे? तो जानते रहिएगा कि कुल मतदाता 100 होते हैं, पहले अवैध को घटा देंगे क्योंकि अवैध मत की गणना नहीं होती, जब अवैध मत को घटा देंगे तो बचा आपके पास 90 में जीतने वाला 70 पाया तो हारने वाला कितना पाया 20% मत। क्लियर हुआ? हारने वाला कितना पाएगा 20%, कितना पाएगा 20%, समझ में आई मेरी बात? अब इस पे प्रश्न लिखिएगा, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, उम्मीदवार बी को 40% मत मिले, 40% मत मिले, 40% मत मिले और वह 40% मत मिले और वह 110 मतों से चुनाव हार गया, 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 110 मतों से चुनाव हार गया। यदि उस चुनाव में 10% मत अवैध हो तो, यदि उस चुनाव में 10% मत अवैध हो तो, अवैध हो तो उस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया? अगर 10% मत अवैध हो तो कुल कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया? बताएं कि कुल कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया? जितने लोग लाइव देख रहे हैं वे सभी लोग कमेंट करके बताएंगे।
ये समझ में आया नहीं आया, अगर नहीं आया तो क्यों। हम सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और सभी जो आपकी दुविधा है उसको भी हम दूर करेंगे। ठीक, कोई डाउट किसी को, कोई समस्या बताए जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके। आप लोग जितने लोग लाइव देख रहे हो सभी लोग कमेंट करके बताएं। प्रश्न आपने लिख लिया, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, चलिए इसको हल करते हैं। हम कह रहे हैं कि एक चुनाव में 10% मत अवैध हो गए, तो पहले अवैध को निकाल देंगे। कुल 100% मत होता है, अगर इसमें से 10% अवैध निकाल दिया कितना बचा? 90। अब जो हमारी गणना होगी केवल 90% में होगी। कितने में होगी? केवल केवल 90% में होगी। अब 90% में भी आपको अब इस 90% में हमने ये देखा कि हारने वाले को कितना मिला? 40% मत मिला, तो जीतने वाले को कितना मिलेगा? 50%। क्लियर? यदि हारने वाले को 40% मिला तो जीतने वाले को 50% मिला। हार जीत का निर्णय कितने परसेंट पे हुआ ये मैंने आपको तरीका बताया है। तो भैया हार जीत का निर्णय कितने पे होगा? ये 50% पाया जीतने वाला, हारने वाला 40 पाया, तो हार जीत का निर्णय कितने पे होगा? 10%। और यही जो 10% है इसी 10% के बराबर क्या दिया है? 110 मत। तो 1% बराबर 110/10। 100% पूछा है तो उसके लिए क्या करेंगे? गुड़े 100। कुल मतदाता पूछा है तो कुल मतदाता अपने आप में 100। 0-0 कट गया, 11 का 11, उसके बाद 2-0। क्लियर हुआ? इस प्रकार उस चुनाव में कुल 1100 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। अब जरा कमेंट करके बताएं अब कितने लोग को समझ में आया। मैंने पहले प्रारंभ में ही बताया हम अपनी गणित में कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी ट्रिक नहीं यूज, कोई भी फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। केवल बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर हम पूरी मैथमेटिक्स आपको पढ़ा लेंगे और शायद ऐसा करने में हम सफल भी रहेंगे। बस आप लोग का साथ इस तरह से बना रहे, इस तरह से आप लोग अगर साथ बना रहेगा तो उम्मीद करते हैं गणित उतनी आसान हो जाएगी जितना आपने समझा था, न इतना आपने कभी सोचा था। केवल एक बार इस सारे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ठीक, एक चुनाव में 10% मत अवैध थे, अवैध मत की गणना नहीं किया जाता, पहले अवैध मत को हमने निकाल दिया। जब अवैध मत निकल गए 100% में से तो बचे कितने? 90 बचे। 90 में यदि हारने वाले को 40 या जीतने वाले को 50 मिला तो मत कितने बचे? 50 में से 40 गया, 10%। माने एक को 50 मिला एक को 40 मिला तो जीतने हारने का निर्णय कितने से हुआ? 10% से हुआ। और जब 10% से हार जीत का निर्णय हुआ तो 10% बराबर 110। ठीक, क्लियर? और 100% पूछा है तो 1% निकालने के बाद 100 से गुणा कर दिए। अगर एक का हिस्सा पूछता एक कितना पाया था, हम भूल गए एक कौन था, 40 या 50? कमेंट करके बताएं ये 40 था 50। 1100 मत आएगा, 1100 वोट आएगा। अगर आप लोग को समझ में देखिए जो लास्ट में जोड़ रहे वीडियो को स्टार्टिंग से देखें, स्टार्टिंग से देखेंगे मैं यकीन मानता हूं सब कर लेंगे। हाँ, हमने पूछा था 1100 सही है। ठीक, लेकिन उसमें ये बताइए और क्या ए और बी का कितना था, सभी आप निकाल लेंगे जी। जिसका पूछेगा आप लगा लेंगे, जिसका भी पूछेगा आप निकाल लेंगे। ठीक है, सभी लोग लाइव जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अवैध मत का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत कोई समस्या? अगला प्रश्न लिखिएगा, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे ए और बी, दो उम्मीदवार थे ए और बी, दो उम्मीदवार थे। जैसा मैं लिखता चलूंगा तो मेरा सही रहेगा। ए और बी दो उम्मीदवार थे, उम्मीदवार ए को 50% मत मिला, 50% मत मिला और वह 132 मतों से चुनाव जीत गया, और वह 132 मतों से चुनाव जीत गया। यदि उस चुनाव में
यदि उस चुनाव में 12% मत अवैध पड़ा हो, यदि उस चुनाव में 12% मत अवैध पड़ा हो, अवैध पड़ा हो, अवैध पड़ा हो, तो उम्मीदवार बी को, तो उम्मीदवार बी को कितने मत मिले। प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं, एक चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार थे, यदि उम्मीदवार ए को 50% मत मिले और वह 132 मतों से चुनाव जीत गया हो और इस चुनाव में 12% मत अवैध घोषित किए गए हो, तो बी को कुल कितने मत मिले। जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करके जवाब दें। अगर लग रहा है कि हमने आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके समझाया है, अच्छे तरीके से हमने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, इस वीडियो लिंक को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जितने भी अन्य साथी हैं वो लोग भी इससे जुड़ जाएं और आप अपने तैयारी कर सके, इस प्रश्न को हल करना शुरू करिएगा। ऑनलाइन क्लास के लिए आप लोग 6306344367 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। जी हाँ, ऑनलाइन क्लास, नोट्स पीडीएफ में हो, घर बैठे आपको नोट्स सभी चीज़ यहाँ से उपलब्ध होंगी। ठीक है, सभी चीज़ यहाँ से आपको उपलब्ध होगी। आपके मन में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा इस सवाल को आगे लगाना शुरू करिए। सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिए अपना, सभी लोग हल करिए और अपने प्रश्न का जवाब दीजिए। नहीं आएगा मैं समझाऊंगा, दोबारा समझाऊंगा, तिबारा समझाऊंगा, तब तक समझाऊंगा जब तक कि आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हमारा उद्देश्य आपको बेहतर अंक अर्जित कराना है, हमारा उद्देश्य आपके गणित का डर दूर करवाना है, ताकि आप परीक्षा में सबसे बेहतर प्रदर्शन करें, और उम्मीद है कि आप हमसे बेहतर सबसे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, बताइए जल्दी फटाफट आप लोग कमेंट करके, जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें। चलिए आइए हम लोग भी हल करते हैं। उम्मीदवार बी का पूछा गया था, सबसे पहला काम हम लोग को अवैध मत निकालना है। कुल मत कितना था? 100% होता है, उसमें से अवैध 12 हो गया, तो कुल जो मत पड़े थे वो 88% थे, 88% थे। इस 88% में जीतने वाले को 50 मिला, तो हम क्या करेंगे, अगर हम 88% में से कुल मत में से जीतने वाले का निकाल देंगे तो हारने वाले क्या बचा? 38%। और कह रहा है कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो कितने मतों से, वो 132 मतों से चुनाव जीत गया, तो हमें क्या करना है, ये 88 है, ये 38 है, तो ये 50 में से अगर 38% निकल गया तो भैया जो हार जीत का निर्णय था वो 12% मत होगा। यहां तक किसी को डाउट? जितने लोग वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहे हैं, क्या यहां तक किसी कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? अगर है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं। ठीक, अब कह रहा है इसी 12% बराबर 132, तो 1% बराबर 132 बटा 12। अगर कुल मतदाता पूछता तो गुड़े 100 करते, लेकिन यहां पूछा बी का, तो बी कितना परसेंट पाया? 38%, तो गुड़े 38 कर देंगे तो बी का हिस्सा निकल जाएगा। कुल पूछता गुड़े 100, जितने वाले पूछता गुड़े 50। मैंने आपको स्टार्टिंग से सभी लॉजिक जो था वो आपको बता दिया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, सारी इसकी थ्योरी समझ में आएगी, और अब आपको जरा सा भी ये दिक्कत नहीं होगा कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। ये सभी प्रश्न आपके मन में जो थे वो धीरे धीरे करके खत्म होते जा रहे होंगे। आपके मन में कोई डाउट तो नहीं बना है ना, कोई प्रश्न तो नहीं बना है ना? अगर कोई डाउट, कोई प्रश्न बना हो तो बेहिचक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्न का जवाब भी नहीं देंगे, वरन हम इसका निवारण भी करेंगे। अब कैलकुलेशन आप करें, कैलकुलेशन मुझे नहीं करना है। अगर कुल मतदाता पूछता तो गुड़े 100 करते, जीतने वाले पूछता तो गुड़े 50 करते, अवैध मत की संख्या पूछता तो गुड़े 12 करते, अवैध 132 ही है। अब बताएं क्या सबको समझ में आ गया, जितने लोग लाइव देख रहे हैं बताइए। बताइए आप लोग, जितने लोग लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं, ताकि अगला प्रश्न बोले। अब हम तीन उम्मीदवार कर रहे हैं, अब हम लोग उम्मीदवार संख्या 3 बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जितने लोग लाइव सेशन को देख रहे हैं वो सभी
को बताएं कमेंट करके कि आप लोग को समझ में आ गया, चाहे वो फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं कहीं भी, क्योंकि आप इलेनी बदुर के सभी प्लेटफॉर्म पे से लाइव देख सकते हैं। जी हाँ, चाहे आप यूट्यूब पे लाइव हो, चाहे फेसबुक पे लाइव हो, फेसबुक पेज इलेनी बदुर्गेश, इंस्टाग्राम इलेनी बदुर्गेश, यूट्यूब। जी हाँ, तो अब हम लोग बढ़ते हैं, अब हम तीन उम्मीदवार की तरफ बढ़ते हैं। कितने उम्मीदवार? तीन उम्मीदवार की तरफ बढ़ते हैं। अगर एक चुनाव में तीन उम्मीदवार होंगे तब इस चुनाव में इस तरह के प्रश्न को तब कैसे हल किया जाएगा, इसको हल कर लेंगे, पढ़ लेंगे। फिर अगले टॉपिक जो हम लोग कल उठाएंगे परीक्षा के पास फेल पर उठाएंगे। इस तरह से एक एक क्रम करके अब हम लोग सवाल में बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, आइए लिखिए। और अगर ऑनलाइन क्लास से जुड़ना हो तो उसके लिए नंबर आपको पता होना चाहिए 6306344367। डेली क्लास के लिए आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस के जुड़िएगा इलेनी विद दुर्गेश। आइए अब हम आपको प्रश्न बोलते हैं, लिखिएगा। एक चुनाव में तीन उम्मीदवार थे, एक चुनाव में राम श्याम मोहन तीन उम्मीदवार थे, राम श्याम मोहन तीन उम्मीदवार थे। उम्मीदवार राम को 25% मत मिले, उम्मीदवार राम को 25% मत मिले और श्याम को 38% मत मिले, लिख रहे हैं आप लोग। एक चुनाव में तीन उम्मीदवार थे, राम को 25% मिले और श्याम को 38% मत मिले, तथा 12% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तथा 12% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि जीतने वाला उम्मीदवार 130 मतों से चुनाव जीता हो, 130 मतों से चुनाव जीता हो, 130 मतों से चुनाव जीता हो तो मोहन को कितने मत मिले, तो बताइएगा मोहन को कितने मत मिले। प्रश्न को मैं रिपीट कर रहा हूं। एक चुनाव में तीन उम्मीदवार थे, राम श्याम मोहन, उम्मीदवार राम को 25% मिले, श्याम को 38% मत मिले और इस चुनाव में 12% मत अवैध हो गया, तथा जीतने वाले उम्मीदवार 130 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो बताइएगा मोहन को कुल कितने मत मिले। ये सवाल आसान है अगर आप स्टार्टिंग से देखते आ रहे होंगे, अगर आप बेसिक से देखते आ रहे होंगे। जैसे जैसे मैं पढ़ाता रहा हूँ तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने बताया था इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि जो अवैध मत होते हैं, जो मत अवैध होते हैं उन मतों को पहले बाहर निकाल लिया जाता है। क्या करेंगे, जो मत अवैध होते हैं उन मतों को हम सबसे पहले बाहर निकाल देते हैं, बाकी जो मत होते हैं उन्हीं मतों पर हम क्या करते हैं, गणना करते हैं। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहला काम, उस चुनाव में कुल 100% मत होते, 100 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, चुनाव में 100% मत थे, उसमें से 12% मत अवैध हुए, 12% को हमने निकाल दिया, अवैध मत को निकाल दिया। अब जो बचेंगे वो कितने बचेंगे, 88%। इस 88% में तीन हिस्से में बांटना है, तो बताइए 88% में तीन लोग हैं, एक को 38 मिला है, एक को 25 मिला है, मोहन को नहीं पता कितना मिला है, तो क्या करेंगे, इस 88 में से यदि हम राम और श्याम का घटा देंगे तो मोहन का निकल जाएगा, तो क्या है, राम प्लस श्याम का जोड़ घटा देंगे तो किसका हिस्सा निकलेगा, मोहन का हिस्सा निकल जाएगा, किसका हिस्सा, मोहन का हिस्सा। तो इस 88 में से हम क्या करेंगे, राम श्याम कितना, राम कितना पाया था 25, श्याम कितना पाया था 38, घटा देंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 88 में से 25 और ये 8 5 13, 3 2 5 1 6, ये हो गया 63। तो 88 में से 63 या कितना होगा, 88 में से 63 जाए कितना हो जाएगा,
63 हो जाएगा, 15 होगा ना, 25 होगा क्या जी, कितना होगा, 8 में से 3 गया 5, 8 में से 6 गया, अच्छा 25, ठीक है। अच्छा एक प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव कर लीजिएगा, हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया, यहां तक क्लियर। अब मोहन को जो मिला वो कितना मिला, 25%। अब आपने राम श्याम मोहन का परसेंटेज देख लिया, राम को मिला 25, श्याम को मिला 38 और मोहन को मिला 25। अब कह रहा है कि भैया जीतने वाला उम्मीदवार इसमें कौन है, 38 वाला है, किससे जीतेगा, चाहे राम और श्याम से जीते किसी एक से जीतेगा, तो जीतने वाला उम्मीदवार कैसे जीतेगा, 38 में से 25 घटा देंगे तो कितने मत से जीतेगा, 13% मत से, कितना परसेंट से, 13% से विजयी हुआ। और 13% बराबर कितना दिया है, 13% बराबर 130, तो भैया 1% बराबर 130 बट्टा 13। किसका हिस्सा पूछा है, मोहन का, तो भैया मोहन कितना पाया है, 25, बोले 25 कर दिए, 13 का 13 ये 10 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 250 मत मिले किसको, मोहन को। अब बताइए जितने लोग स्टार्टिंग से लाइव देख रहे हैं वे लोग कमेंट करके बताएं क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, क्या आपको ये परसेंटेज का जो सवाल था वो क्लियर हो गया, क्या यहाँ से कोई डाउट हुआ आपको, क्या यहाँ से कोई समस्या आपके मन में आई, अगर आई हो तो बेहिचक बेधड़क आप पूछ सकते हैं, यहाँ से कुल मतदाता निकाल सकते थे, यहाँ से अवैध मत निकाल सकते थे, यहाँ से वैध मत निकाल सकते थे, माने इस प्रश्न से आप जो चाहे वो आसानी से निकाल सकते थे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको प्रारंभ से पूरी तरीका बता दिया है कि अवैध कैसे निकालेंगे, वैध कैसे निकालेंगे, किसी एक का हिस्सा कैसे निकालेंगे, दोनों का हिस्सा कैसे निकालेंगे, अंतर कैसे निकालेंगे, सब कॉन्सेप्ट हमने आपका क्लियर कर दिया है। इससे आसान गणित कोई नहीं बता पाएगा, मुझे ऐसा लगता है, ये घमंड नहीं है, ये गर्व की बात है, क्योंकि अभी तक हमने, हाँ स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा, सभी लोग स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें, क्योंकि देखिए मैंने एकदम बेसिक तरीका आपको बताया है और बेसिक तरीके से हम आपका हल करा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई नियम कोई फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे हैं। हाँ जब हम गणित की टाइपिंग सवाल लेकर आएंगे तब वहां से आप क्या करिएगा, तब हम वहां देखेंगे किताबी भाषा क्या है, उसको कैसे हल करते हैं, लेकिन जब हमारी भाषा समझे रहेंगे तो जब हमें तरीका यूज करके आपको पढ़ाएंगे तो उम्मीद करते हैं तब आपके समझ में आएगा कि और बेहतर तरीके से कैसे किया जाए और कैसे सीखा जा सकता है। यहाँ से कोई दिक्कत है, कोई समस्या है या नहीं आपको, अगर आपके मन में कोई डाउट कोई प्रश्न कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अन्यथा आप लोग इस वीडियो को अपने साथियों के बीच शेयर कर दीजिएगा। ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए 6306304367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास संबंधी जानकारी ले सकते हैं। डेली क्लास की जो नोटिफिकेशन होती है उसके लिए आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, उसमें सर्च करिएगा दुर्गेश सर, और उसके बाद जैसे सर्च करेंगे आपके पास इलानी विद दुर्गेश आएगा, इलानी विद दुर्गेश को ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले वहां पे आपको मिल जाती है। इलानी विद दुर्गेश फेसबुक पेज हमारा, अगर फेसबुक यूजर है तो इलानी विद दुर्गेश पे ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम यूजर है या इंस्टाग्राम इलानी विद दुर्गेश, ट्विटर इलानी विद दुर्गेश, अन्य सभी सोशल जो साइट है हमारी इलानी विद दुर्गेश से आप हमें सर्च कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। अब आप बताइएगा कमेंट करके कि आपके मन में कोई प्रश्न या समस्या आ रही है, अगर आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो भी बताइएगा, जैसी दिक्कत हो आप कमेंट करके बताइएगा। आज की जो सेशन था वो हमने आपको खत्म कर दिया, इससे ज्यादा आपको यहाँ से प्रश्न नहीं आना है, क्योंकि हमने हर तरह के टाइप के जो प्रश्न आने थे उन्हें तोड़ मरोड़ कर पूरा बता दिया। अब इसमें भी गुणे पे आधारित आते हैं, फिर इसमें लगातार परसेंटेज परसेंटेज पे आते हैं, वे सभी सवाल जब हम सवालों की सीट लाएंगे तो मैं वहां पे और आपको और बेहतर तरीके से बता पाऊंगा और बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। मैं हट गया था, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था, आप लोग स्क्रीनशॉट इसकी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो को अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैथमेटिक्स एकदम समझ में आ रहा होगा, ये आपके एग्जाम के बेस पर ही पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि देखिए हम आपको हर तरह से पढ़ा देंगे ताकि परीक्षा में आपके यहाँ से प्रश्न कभी गलत ना हो। ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए आपका नंबर दिया गया, इस नंबर पे सर्च करके आप व्हाट्सएप पे इंक्वायरी ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लास जुड़ेंगे तो आप लोग इतना सहयोग करेंगे तो हम लोग और बेहतर कर पाएंगे, लाइट बिजली बत्ती जो बोर्ड खर्च होता है सब कुछ मेंटेन होता है जब ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं। तो प्रयास करिएगा आप लोग सभी लोग लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ने के लिए, आपकी मदद होगी ताकि हम लोग भी और बेहतर कर सकें, क्योंकि बिना आपकी मदद के हम लोग और बेहतर नहीं कर पाएंगे ना।
क्योंकि हर आदमी के लिए जरूरतें होती है, कहाँ से पूरी होगी। तो इलानी भी दुर्गा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इलानी भी दुर्गा इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, हर एक जितने सोशल मीडिया आप जानते हैं सभी इलानी भी दुर्गा सर्च करिएगा, हम आपसे जरूर मिलेंगे। यह जो नंबर आपको दिया गया इस पर व्हाट्सएप पर ऑनलाइन क्लास संबंधी जानकारी जरूर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बेहतर लगे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।